हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अब 23 तारीख से आपके टेस्ट है, तो हम आपको आज रिवीजन कराते हैं। तो रिवीजन में आप देख लीजिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम फॉर दीज न्यूमरल्स। हमें कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं, उनकी क्या लिखना है, नंबर नेम। या इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी आ सकता है कि हमें नंबर नेम दिए हैं और क्या लिखना है, न्यूमरल्स। एक दोनों में से कोई सा भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दोनों तरह से क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। जैसे आपको लिख रहा है यहाँ पर 101, तो हमें इसको नंबर नेम को किस में लिखना है, राइट द नंबर नेम फॉर दीज न्यूमरल्स 100, तो हमारा क्या लिख रहा है, सबसे पहले 1, फिर 100 और लास्ट में 1। नेक्स्ट सेकंड, वर्स टेंस 100, तो ये क्या लिख रहा है हमारा, 515। तो हमें कुछ न्यूमरल्स दिए हैं, तो हमने क्या लिखा है, नंबर नेम। और यहां पर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में नंबर नेम दिए हैं, तो हम क्या लिखेंगे उससे, न्यूमरल्स। अब इसे हमें न्यूमरल्स लिखना है 900, तो ये 9 और ये 100, 405, तो ये क्या हुआ, 405। तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसे भी आ जाए हमको, चाहे पहला क्वेश्चन आ जाए और चाहे भी दूसरा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही लिखना है। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कोई सी भी डिजिट लिख सकते हैं आप, 33 जैसे 400, 68, 50 और ये 70। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, छोटे से हम कहां जाते हैं, छोटे डिजिट से, स्मॉल डिजिट से हमें कहां जाना है, ग्रेटर डिजिट की तरफ जाना है, बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, छोटे से कहां, बड़े की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले छोटा हमारा क्या है इसमें, 33, फिर उससे थोड़ा बड़ा हमें क्या दिख रहा है, 33, 15 आएगा सबसे पहले, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1, तो 15 आ गया, 15 के बाद क्या है, 33, फिर उससे बड़ा क्या है, 68 से बड़ा फिर क्या है, 70, और 70 के बाद फिर क्या आ गया हमारा, 400। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें छोटे से कहां जाना है, बड़े डिजिट की तरफ जाना है, और इसी का उल्टा हमें करना है तो डिसेंडिंग में हो जाएगा। डिसेंडिंग में हम क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, और फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो हमने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया असेंडिंग ऑर्डर का, इसी तरह से उल्टा उसमें डिसेंडिंग में बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो असेंडिंग का अपोजिट किस में करते हैं, डिसेंडिंग। नोट कर लीजिए सभी, एक क्वेश्चन डिसेंडिंग का ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज
डिसेंडिंग ऑर्डर तो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं जो हमने असेंडिंग में किया था, या और दूसरा ले लेते हैं 43, 70, 58, 30, 27 और 80। ठीक है, अब इसको हमें किसमें जमाना है? असेंडिंग में हमने क्या करा था? स्मॉल से हम कहां गए थे? ग्रेटर की साइड। इसका अपोजिट करना है हमें डिसेंडिंग में। तो सबसे डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर हमारा ढूंढना है कौन सा है। यहाँ पर देखो 80 है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर 80 से थोड़ा छोटा क्या है हमारा 70। फिर क्या है 58। फिर 43। फिर 27 और फिर लास्ट में 30। आंसर चेक कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई डिजिट हमारा रह तो नहीं गया लिखने में, चेक भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके 4 हो गए। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे टेस्ट में। अब एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, कम्स आफ्टर रिवीजन चल रहा है हमारा, ये कम्स आफ्टर में से 65 है, तो 65 के बाद हमारा क्या आता है 66। जैसे लिख रहा है 73, तो इसके बाद हमारा क्या आता है 74। आफ्टर बाद का नंबर लिखना है हमें, तो सबसे पहले क्या आया 65, फिर इसके बाद क्या आया 66, 73 तो फिर 74। जैसे 18 है तो क्या आएगा अगर 18 के बाद आफ्टर में 19, तो ये कम्स आफ्टर हो गए। इसी तरह से कम्स बिफोर, ये हम बहुत छोटी सी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे लिख रहा है 17, तो 17 के पहले क्या आएगा हमारा बताइए आप 16, 20 के पहले 19, 88 के पहले 87। तो ये कम्स आफ्टर और ये क्या होगा हमारे कम्स बिफोर, तो ये क्वेश्चन भी होगा नोट करिए आप। अब इसके बाद एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एरो लगाना है जो सभी नंबर हमारा ग्रेटर है या इक्वल टू है। जैसे लिख रहा है यहां 38 ब्रैकेट 40, इसका हमें बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है, 38 है या 40 है, तो हमें अलग ही दिख रहा है हमारा नंबर डिजिट कौन सा ग्रेटर है 40, तो इसके साइड क्या लग गया एरो। अब जैसे लिख रहा है 70 और इधर लिख रहा है हमारा 10, तो 70 और 10 में कौन ग्रेटर है 17, तो इसके साइड आ गया एरो। एक इसी तरह से हमने ले लिया 10 और 10, दोनों साइड कैसे हैं सेम है इक्वल है, तो इक्वल का क्या लग गया साइन। तो एक एक हमने आपको एग्जाम्पल यहां पर समझा दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 6 हुआ है, शायद क्वेश्चन नंबर ये 7। ऐड, सिंपल ऐड आएंगे आपको, ज्यादा टफ नहीं रहेंगे। जैसे आ गया 3, 2, 4, 1, 3, 3, ये ऐड है ना विदाउट कैरी के। 4 और 3 क्या होगा 7, 2 और 3, 5, 3 और 1 4। एक और ऐड कर लेते हैं 3, 2, 0, 1, 4, 6। 0 में 6 को ऐड किया तो 6, 2 और 4, 6, 3 और 1, 4।
तो इस तरह से हमारा क्या होगा ये एड विदाउट कैरी के। नोट कीजिए, अब एक के बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में 9, 6, 7, 3, 2, 4 सिंपल से सब्ट्रैक्ट थे। 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6। तो हमने आपको ऐड भी करवा दिए, सब्ट्रैक्ट भी हो गए, ये हो गए हमारे विदाउट कैरी के सब्ट्रैक्ट और ऐड भी हो गए हमारे सिंपल वाले। इस तरह से हमारा रिवीजन और जो भी रिवीजन में है इसके आगे का वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे आपको, दो वर्ड प्रॉब्लम में से कोई सा भी आपको एक वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा और जो भी है पीडीएफ में हम आपको सेंड कर देंगे। सभी को टेस्ट की तैयारी करना है, हमने आपको इस तरह से टेस्ट का पूरा मॉडल बता दिया है कैसे आपको क्वेश्चन आएंगे रिवीजन के द्वारा। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।